नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य संगठन द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। हरिद्वार जिले में भी इस बंद के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। रुड़की में भी आरक्षण को लेकर खासकर एससी समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। भीवार में नेतृत्व में हाथों में नीला झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही सरकार पर भी जुबानी हमला कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार दलितों के साथ अन्याय कर रही है। हालांकि अभी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई जा रही है। अगर दलित समाज के साथ न्याय नहीं हुआ तो आगे आंदोलन की तैयारी भी की जाएगी। भीवार के प्रदेश अध्यक्ष महंत सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी मालवीय चौक से तहसील परिसर पहुंचे तथा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है और चेतावनी भी दी गई है कि आने वाली 11 तारीख को भी मारवी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। ज्ञापन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रुड़की के लक्सर में भारत बंद के समर्थन में भी मारवी कार्यकर्ताओं ने बालावाली तिराहे पर जाम लगाया और लक्सर पुरकाजी स्टेट हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस ने भी मारवी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ना मानने पर पुलिस ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को लाठियों से फटकार कर जाम खुलवाया, जिससे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की भीड़ तितर बितर हो गई। हमने जो है कुछ मुख्य मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया, आज ज्ञापन सौंपा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार इस भारत बंद का समर्थन किया गया। हमारी मुख्य मांगे जातिगत आधार पर जनगणना कराई जाए, क्योंकि सरकारों के पास में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो सरकारों को किया है, लेकिन सरकारों के पास में तो ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है कि जातिगत आधार पर वो आरक्षण की व्यवस्था करें, वर्ग के आधार पर इन्हें इन लोगों को आपस में बांटें, इनका भाईचारा खराब करें। तो पहले तो जातिगत जनगणना कराई जाए, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों को का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए जो अब तक अधूरा पड़ा है। गैर सरकारी संस्थानों में यानी कि प्राइवेट जो सेक्टर हैं उनमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। चौथी हमारी जो मांग है, जब तक अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता है तो आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में रखा जाए, ताकि आरक्षण के साथ में छेड़खानी न हो। संगठन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज 21 तारीख में भारत बंद का समर्थन करते ही आंदोलन किया। अगर हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान नहीं लेता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाली 11 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचकर एक विशाल धरना प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग करेंगे।